दोस्तों, हमारा पूरा प्रयत्न है कि आप कोरोना टाइम्स में अवेलेबल अपने समय का भरपूर फायदा उठाएं, और इसीलिए मैं आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूं। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के पास में अपना सेल्स बढ़ाने का बहुत बड़ा स्कोप होता है। वो चाहे तो अपने बिजनेस को डबल और ट्रिपल और समटाइम्स इवन 4 गुना भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जी हाँ, एक सिंपल सा उत्तर है कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के केस में मार्केट रीच बहुत कम होती है। उस मार्केट रीच को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप लोग अपनी टीम का साइज बढ़ाएं। लेकिन जब भी कभी मैं प्रश्न उठाता हूं कि आप अपने टीम का साइज क्यों नहीं बढ़ा रहे, तो जवाब मिलता है कि जब हम लोग सेल्स करने जाते हैं तो ऑर्डर क्लोज हो जाता है, लेकिन जब सेल्स टीम के लोग सेल्स क्लोज करने जाते हैं तो वो ऑर्डर क्लोज कर ही नहीं पाते, और इसलिए सेल्स टीम बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, मैं आपकी बात से सहमत हूं, काफी हद तक ये बात सही है, क्योंकि मैं आपके लोगों से मिला हूं, मैं जानता हूं कि उनका स्किल लेवल क्या है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि जब आप इस प्रश्न से परेशान होते हैं, क्या आपने अपने आप से पूछा कि आपने इन लोगों को किस प्रकार से ट्रेन किया है? सच्चाई तो यह है कि आपके पास में कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल होता ही नहीं है। और जब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल क्यों नहीं क्रिएट किया हुआ, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, वो कंप्लीट टॉपिक जो उसमें होने चाहिए वो क्यों आपने कवर नहीं किए हुए, तो आपका जवाब होता है समय ही कहां है। पर अब समय है, तो मैं आपको बताता हूं कि क्यों ना आप इस समय का एक बहुत अच्छा कंप्रिहेंसिव ट्रेनिंग मॉड्यूल, सेल्स ट्रेनिंग मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए फायदा उठाएं। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताता हूं। करना क्या है आपको? नंबर 1, एक टीम गठित करें जिसमें कि कुछ प्रोडक्ट की साइड से लोग हों, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की साइड के लोग हों, साथ ही साथ दूसरे डिपार्टमेंट जो कि आप समझते हैं उसमें होने चाहिए, सभी लोगों की एक टीम होनी चाहिए जो कि डिस्टेंटली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। साथ में एक कोऑर्डिनेटर आप अपॉइंट करें जो कि ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद में उसको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत करेगा, और फिर आप उसको रिव्यू करिए कि क्या डज इट मेक एनी सेंस, उसमें क्या क्या होना चाहिए आपके आपकी सेल्स ट्रेनिंग में। लेट मी शेयर विद यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपके सेल्स ट्रेनिंग के कंटेंट क्या क्या होने चाहिए। उसमें चार चीजें हैं मेनली जो कि होने चाहिए। नंबर 1, आपकी कंपनी का ओवरव्यू, आपके बिजनेस का ओवरव्यू। नंबर 2, आपके प्रोडक्ट का, आपकी सर्विस का ओवरव्यू। और जब मैं सर्विस के ओवरव्यू की बात करता हूं तो उसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि आप प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताएं, बल्कि यह भी कि वो फीचर्स किस तरह से कस्टमर को फायदा पहुंचाते हैं और किस तरीके से आपके कंपटीशन से वो डिफरेंट हैं, बेहतर हैं, और अगर कहीं वो इंफीरियर हैं तो ये भी उन्हें बताएं कि अगर कस्टमर कोई क्वेश्चन करता है तो किस तरह से उसका वो जवाब देंगे। नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने कंपटीशन के बारे में भी उन्हें बताएं, और साथ ही साथ क्या क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं कस्टमर के जब वो कन्विंस करने जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को, उन ऑब्जेक्शंस को वो कैसे हैंडल करें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में डाल लेंगे और एक कंप्रिहेंसिव ट्रेनिंग मॉड्यूल बना लेंगे, और फिर अपनी सेल्स टीम को इस कंप्रेहेंसिव ट्रेनिंग मॉड्यूल के थ्रू ट्रेन करेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि वो जरूर ही आपके लिए सेल्स प्रस्तुत कर पाएंगे और आपको फायदा मिलेगा एक बड़ी सेल्स टीम क्रिएट करने का। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी जगह हमने ऐसा देखा है कि जहां पर हमने इस तरीके से सेल्स टीम क्रिएट की है, ट्रेन की है, वहां पर सभी को फायदे मिले हैं। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं, आप भी अजमाइए। दोस्तों, ये समय है जब आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली डेफिनेटली अपने सभी साथियों के साथ आप शेयर करें, और हमारा वेबसाइट डेफिनेटली आप विजिट करें, राकेश बिजनेस गुरु .com। थैंक यू वेरी मच।